बार बार घुमाते रहे कट गए तो। मम्मा सब्जी दे दो भाई को। ये है गांव का पहला दिन, तो जब हम यहाँ से चले थे कुल्लू से उस दिन का है ये। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे खाना, और तंदूर अभी हमने जलाया नहीं। ये मेरी देवरानी बैठी है आगे, और ये मेरी भाभी आटा गूंद रहे। तो हम मिलजुल के खाना बना रहे थे और मैं सब्जी काट रही थी। यहाँ पे लाइट यहाँ पे फुल थी, पता नहीं थोड़ा सा डार्क लग रहा है, और चूल्हा हमारा जला हुआ है। चूल्हे के पास बैठे हमारे सासू माँ। तो मैं काट रही हूँ, अभी काट रही हूँ मैं सब्जी, और हम गप्पे भी मार रहे हैं साथ साथ में। तो पहले दिन आए तो सब मतलब काफ़ी टाइम बाद हम मिले हैं। काफ़ी टाइम बाद हम घर भी गए थे, कम से कम 6 महीने हो गए थे हम घर नहीं गए थे। तो तंदूर हमने जलाया नहीं था, मैंने मतलब थोड़ी देर पहले हम काम कर लेते उसके बाद तंदूर भी जला देंगे। उतनी ठंड नहीं थी, आजकल थोड़ा ठंड कम हो गई है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, इसलिए ठंड थोड़ी कम है। तो ये चूल्हा जला हुआ है हमारा। तो ये है हमारी सीढ़ियाँ, ऐसी होती है सीढ़ी, लकड़ी की सीढ़ी बनी होती है। ये है टाले के लिए, टाला जो किचन बताया मैंने आपको। तो ये हमारा किचन स्टार्ट होता है। यहाँ पता नहीं बल्ब छोटा था या कुछ, उतनी लाइट नहीं आ रही है। तो ये भाभी मेरे आटा गूंद रही थी, मैं सब्जी, जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया। ये देवरानी बैठे है, और इसके बाद ये देखो ऊपर बहुत सारा रखा हुआ है माल हमारी सासू माँ ने। तो पता नहीं बोरू बारू क्या क्या इकट्ठे करके रख दिया है इन्होंने। तो काफ़ी टाइम के बाद आना तो थोड़ा थक जाते हैं, तो उसके बाद फिर खाना बनाना होता है। पहले दिन थोड़ा सा थकान लगती है, दूसरे दिन के बाद फिर आदत पड़ जाती है हमारे को। यहाँ पे थोड़ा सा पानी नीचे है, नीचे से लाना पड़ता है, फिर ऊपर लाना मतलब किचन के लिए लाना पड़ता है। जहाँ हम रहते हैं कुल्लू में, यहाँ पे पानी पुनी की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मतलब अंदर अंदर। तो इसके बाद लग गई थी मैं रोटी पकाने भाभी के साथ। मैं उससे जल्दी जल्दी हो जाएगा, एक पकाएगी तो एक बनाएगी तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ये सासू माँ की वीडियो बना रहे थे बच्चे, तो ये मना कर रहे थे कि मत बनाओ, क्या कर रहे तुम लोग, इनको पता नहीं है कि ये वीडियो बनाते हैं। तो इनको इतना पता नहीं ना, हमने इनको बताया है कि हम वीडियो बनाते हैं। मैंने आपको इनकी एक वीडियो भी शेयर की थी। तो ये लगे रहते हैं आप ऐसे ही, इनको कोई काम नहीं होता है, जैसे हम नहीं करवाते, कोई भी नहीं करवाता इनको इनसे काम। तो ये खुद ही नहीं बैठते, मतलब कुछ ना कुछ करते रहते, कुछ ना कुछ करते, इनको आदत है मतलब काम करने की, भाई अपना काम ये खुद कर देते। काफ़ी काम करते थे, बहुत मेहनत भी की इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा।
तो अभी भी ये चुप नहीं बैठते कि भाई ये रेस्ट करेंगे, ये कुछ न कुछ करते ही है। खाना बना लेते हैं अपने लिए, बहुत सारे काम अपने खुद कर लेते हैं, तो बहुत फास्ट भी है ये, बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो अब हमने तंदूर भी जला दिया था और सब लोग हम डिनर कर रहे थे यहाँ पे। अभी पतिदेव आए, उन्होंने बोला तंदूर जला दो, अब ठंड भी हो गई थी काफ़ी, तो फिर हमने तंदूर जला दिया और हम लोग सब खाना खा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है साथ में खाना खाना, सब लोग बैठे और जला तंदूर जलाया हमने। अब कमरा गर्म भी हो गया है, कमरा जो हमारा किचन है जिसको हम टाड़ा बोलते हैं, वो भी अब काफ़ी गर्म हो गया था और मज़ा आ रहा था खाना खाने का सच में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो का कर देते हैं एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब आपको 2-3 दिन लगातार आएगी गाँव की वीडियो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।